हाय एवरीवन, इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने लखपति दीदी योजना के बारे में बात की। लखपति दीदी योजना क्या है? लखपति दीदी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन अमंग वुमेन ऑफ भारत। ये योजना राजस्थान में इलेक्शन के बाद ही नई सरकार के द्वारा ये योजना लागू कर दी गई। इस योजना का मेन मोटिव क्या है? महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प करना, महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जैसे प्लंबिंग, जैसे एलईडी बल्ब बनाना, जैसे ड्रोन का संचालन और रिपेयर करना, ये सब सिखाया जाता है। सौ की एक बात, महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने का मकसद है। जो महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, सरकार उनकी करंट फाइनेंशियल स्टेटस देखकर उन्हें 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है बिना किसी इंटरेस्ट के। हम इस योजना में ये नहीं कह सकते कि केवल ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, बल्कि महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब तक लखपति दीदी योजना में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। लखपति दीदी योजना के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। बहुत सी सरकारी योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ, दैट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंड देन लास्ट बैंक खाते का डिटेल यानी बैंक अकाउंट। ये योजना लखपति दीदी योजना में महिलाओं को SHG से भी जोड़ता है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। लखपति दीदी योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पास के किसी आंगनवाड़ी में इंक्वायरी करनी होगी। महिलाओं को SHG से भी जोड़ता है। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट हेल्प दी वुमेन टू अर्न देयर लाइवलीहुड बाय प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट हेल्प इम्प्लीमेंट and improve the efficiency of the government schemes, self-help group that have given a voice to the underrepresented and voiceless sections of society. So there are various type of self-help promoting agencies like non-government organizations, government, SHGS leaders, state and commercial bank, and microfinance institutions. So ये हो गया है लखपति दीदी योजना स्कीम के बारे में। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।